दोस्तों, साल 2015 में कलर्स चैनल पर प्रसारित किया गया शो थपकी प्यार की एक बार फिर से नए सीजन के साथ पर्दे पर वापसी करने वाला है, जहां शो का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है, जिसमें इस बार भी जिज्ञासा सिंह ही थपकी के रूप में काफी ज्यादा चुलबुले और क्यूट अंदाज में नजर आ रही हैं, जिसके चलते हर कोई एक बार फिर से जिज्ञासा को इसी रोल में देखकर शो देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हो चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, शो से तारीफें बटोर रही अभिनेत्री जिज्ञासा सिंह इस किरदार के लिए मेकर्स की पहली पसंद नहीं थी, बल्कि इनसे पहले भी टीवी इंडस्ट्री की कई दूसरी अभिनेत्रियों को इस रोल के लिए परफेक्ट समझते हुए अप्रोच किया गया था, पर किसी ना किसी वजह से वो अभिनेत्रियां शो का पार्ट ना बन सकी, जिसके चलते ये किरदार जिज्ञासा सिंह की झोली में गिरा। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं अभिनेत्रियों से रूबरू कराएंगे जिन्हें जिज्ञासा सिंह से पहले थपकी का रोल ऑफर हुआ था। तो चलिए एक एक करके रूबरू होते हैं उन्हीं अभिनेत्रियों से। नंबर एक, अदिति शर्मा। जी हाँ, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शामिल है अभिनेत्री अदिति शर्मा का, जिन्हें आप सभी ने ये जादू है जिनका शो में देखा होगा, जिसमें ये अपने किरदार से काफी ज्यादा मशहूर हुई थी। लेकिन अगर बात करें कि आखिरकार अदिति शर्मा इस शो का पार्ट क्यों नहीं बन पाई, तो आपको बता दें कि जब अदिति शर्मा को इस शो की कहानी और इनके कैरेक्टर के बारे में बताया गया, तो इन्हें लगा कि ये कैरेक्टर इन पर बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा, और इसलिए इन्होंने इसे करने से इनकार कर दिया। नंबर दो, श्रीति झा। जिज्ञासा सिंह से पहले जिन अभिनेत्रियों को थपकी का रोल ऑफर किया गया था, उसमें एक अभिनेत्री श्रुति झा भी हैं, जो वर्तमान में कुमकुम भाग्य में नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि श्रुति झा पिछले करीब 7 सालों से कुमकुम भाग्य का हिस्सा हैं, जिसके चलते मेकर्स को भी यही लगा कि 7 सालों से एक ही शो को करके श्रुति झा बोर हो चुकी होंगी, इसलिए वो इस रोल को बिना किसी झिझक के अपना लेंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तभी तो जब श्रुति झा को इस शो के बारे में बताया गया, तो इन्होंने शो को करने के लिए हाँ तो कर दी थी, पर ये इतने ज्यादा नखरे दिखा रही थी कि मेकर्स ने खुद ही इन्हें शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया। नंबर तीन, रीम शेख। कुछ समय पहले तुझसे है राब्ता से टीवी इंडस्ट्री में एक नया मुकाम हासिल करने वाली रीम शेख भी हमारी इस लिस्ट में शामिल हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं, रीम शेख हर एक किरदार को निभाने में कितनी ज्यादा माहिर हैं, जिसकी वजह से इन्हें शो में थपकी का रोल ऑफर किया गया। पर अफसोस कि रीम शेख भी इस शो का हिस्सा नहीं बन सकी, जिसकी वजह और कुछ नहीं बल्कि इनका बिजी शेड्यूल है। जी हाँ, दरअसल रीम शेख के पास इस शो को करने के लिए बिल्कुल भी डेट्स नहीं थी, और इसलिए इन्होंने शो पसंद आने के बावजूद इसे करने से इनकार कर दिया। नंबर चार, हिना खान। इस लिस्ट में आखिरी नाम शामिल है अभिनेत्री हिना खान का, जो कि टीवी इंडस्ट्री से शुरुआत करते हुए आज फिल्मी जगत का भी काफी जाना माना नाम बन चुकी हैं। मगर बात करें हिना खान इस शो में थपकी की भूमिका क्यों नहीं निभा पाई, तो आपको बता दें कि हिना खान को भी शो का ऑफर दिया गया था, पर जब इन्हें शो के बारे में बताया गया, तो इन्हें शो की कहानी कुछ खास पसंद नहीं आई, जिसके चलते इन्होंने मेकर्स को ये कह दिया कि कुछ समय के लिए फिल्मों पर ध्यान देना चाहती हैं, और इसलिए ये कोई भी शो नहीं कर सकती। वेल, दोस्तों, आपको क्या लगता है, इनमें से जिज्ञासा सिंह की जगह कौन सी एक्ट्रेस थी थपकी के रोल में सबसे बेस्ट? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।